नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ प्लस टू की फिजिक्स को लेकर के। और अपनी प्लस टू की फिजिक्स का चैप्टर सेकंड शुरू कर चुके हैं, और चैप्टर सेकंड जिसका नाम मैंने आपको बताया था गौस का नियम, गौस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो अपने पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर गौस का नियम और इसके अनुप्रयोगों के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने क्या कर रहे हैं, कुछ एक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर भी अपने क्या कर रहे हैं, गौस का नियम पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक बातें कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने बातें की थी विद्युत फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और उसके बाद में आपने बात की थी इसके जो स्पेशल केस आते हैं उनके बारे में, यानी विद्युत फ्लक्स की बात कर ली थी अपने, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बारे में, और अब स्पेशल केस भी इसके पढ़ लिए थे। और उसके बाद में अपने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया था, और वो अपना टॉपिक था सतत आवेश वितरण। अपना नया टॉपिक था सतत आवेश वितरण, अपने इस टॉपिक को शुरू कर चुके थे सतत आवेश वितरण को। देखो सतत आवेश वितरण का मतलब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि सतत आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश इस प्रकार से वितरित हो कि उनके मध्य दूरी क्या हो, बिल्कुल अलग हो। जैसे आपके पास में कोई एक तार है, जैसे ये तार है, इसके ऊपर आप लोग क्या कर दो, आवेश को वितरित कर दो, और इस प्रकार से वितरित कर दो कि इन आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, बिल्कुल अलग हो, आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, बिल्कुल अलग हो। तो इस प्रकार का जो वितरण है वो क्या कहलाता है, वो सतत आवेश वितरण कहलाता है। आवेशों का इस प्रकार का वितरण जिसमें आवेशों के मध्य दूरी बिल्कुल अलग हो क्या कहलाएगा, सतत आवेश वितरण कहलाएगा। मैंने आपको इसके प्रकार भी बता दिए थे, अपने तीन प्रकार के आवेश वितरण हैं। पहला जो है वो है रेखीय आवेश वितरण, कंप्लीट कर लेते हैं इसे अपने, तीनों को मैंने अलग बता दिया था कि तीन प्रकार के होते हैं रेखीय आवेश वितरण, और एक अपने होता है पृष्ठ आवेश वितरण, एक होता है अपने आयतन आवेश वितरण। और सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं रेखीय आवेश वितरण को। तो अपना जो पहला टॉपिक इसके अंदर है वो है रेखीय आवेश वितरण। ये जो तीनों वितरण अपने बात करने वाले हैं, तीनों वितरण के अंदर अपने एक समान प्रक्रिया जो वो काम में लेंगे। सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि ये जो आवेश वितरण है इसका मतलब क्या है, जैसे रेखीय आवेश वितरण है इसका क्या मतलब है। उसके बाद में अपने बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की, तीनों में बात करने वाले हैं घनत्वों की। उसके बाद में अपने बल की बात करेंगे, और फिर लास्ट में अपने किसकी बात कर लेंगे, बिल्कुल लास्ट में अपने जाकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पढ़ना इसे। अपना टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश का वितरण जो है इसका मतलब होता है यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण सतत रूप से किसी तार या रेखा पर हो तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे अपने रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। या आप लोग बोल सकते हो किसी तार या रेखा पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ये बात आपको सभी के अंदर जोड़ देनी है, कौन सी, सतत आवेश वितरण की, क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है, सतत आवेश वितरण है, उसका अपने क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपके पास में ये तार है या आपके पास में ये तार है, तो ये जो वितरण है ये कौन सा वितरण है इसका, ये सतत आवेश वितरण है। यानी अपने आवेश को किसके ऊपर एक समान रूप से बांट रहे हैं, अपने एक तार पर क्या कर रहे हैं, आवेश को एक समान रूप से बांट रहे हैं। तो ये आवेश का कौन सा वितरण आ गया, ये तार के ऊपर आवेश का रेखीय आवेश वितरण आ गया। अब देखो इसी के अंदर अपने आता है रेखीय आवेश घनत्व, क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व। इसी के अंदर अपने टॉपिक आता है रेखीय आवेश
गंतव्य। किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश गंतव्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? रेखीय आवेश गंतव्य को लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि रेखीय आवेश गंतव्य क्या होता है तो आप लोग बताओगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, लेमडा इक्वल क्यू अपॉन एल। फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेमडा इक्वल क्यू अपॉन एल, और एल का मान यदि एक हो, एल एक हो, तो लेमडा किसके इक्वल? क्यू के इक्वल। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? आप लोग बोल सकते हो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, एकांक लंबाई में एक, या इसी को आप लोग एकांक बोलते हो, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश गंतव्य बोला जाता है, ठीक है। और किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात करोगे आप लोग इसके मात्रक की, किसकी बात करोगे? इसके मात्रक की। तो देखो लेमडा इक्वल क्यू अपॉन एल, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कूलाम क्यू के लिए, एल लिखा हुआ है मतलब क्या आएगा? मीटर आएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर हो जाएगा। अगर आप लोगों से बोला जाए कि इसका विमीय सूत्र लिखो, तो आपको पता है कि कूलाम का मतलब हो गया समय को और धारा को एक साथ लिख देना, आई इक्वल क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल आई इंटू टी होता है। और भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है? लंबाई लिखी हुई है, कितनी बार लिखी हुई है? एक बार लिखी हुई है। तो विमा जब लिखोगे तो क्या कर दोगे? इसे ऊपर ले जाओगे तो एल की पावर माइनस वन बनेगी, टी की पावर एक बनेगी, ए की पावर एक बनेगी, एम यहाँ है नहीं तो एम की पावर कितनी बनेगी? जीरो बनेगी, ठीक है। तो एम की पावर तो जीरो, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर एक, और ए की पावर प्लस का वन बनेगी। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो? इसकी विमा लिख सकते हो। तो रेखीय आवेश गंतव्य का मतलब हो गया एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश गंतव्य कहते हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम पर मीटर होता है। अगर पूछा जाए इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा आप लोग क्या बताओगे? एम जीरो, एल माइनस वन, टी वन और ए वन, ये इसका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है, ठीक है। अगर अपने और बातें करें, जैसे आप लोगों को बोला जाए कि रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल का मान बताइए, रेखीय आवेश वितरण के कारण बल, यानी आप लोगों से क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल के बारे में। तो आप लोग क्या करोगे? एक तार लोगे जिस पर मान लोगे कि इस प्रकार से क्या है, आवेश वितरित है, आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। आवेश घनत्व कितना है तार पर? लैम्डा है। तार की जो लंबाई है वो एल है, और एक अल्पांश ले लेते हैं इस पर, और अल्पांश की लंबाई मान लेते हैं कितनी है? डी एल है, ठीक है। टोटल तार की लंबाई एल है, और अल्पांश की लंबाई अपने कितनी मान ली? डी एल मान ली। अब आप लोग क्या करोगे? इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी लोगे, और ये जो डायरेक्शन होगी किसकी होगी? आर कैप की डायरेक्शन होगी। तो आर कैप की डायरेक्शन ये जो पॉइंट है इससे दूर की ओर होगी, धनात्मक आवेश है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धनावेश से हमेशा दिशा बाहर की ओर होती है। किस ओर होती है? जिस ओर आपको तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी हो उस ओर होती है। तो आपको तीव्रता किस ओर ज्ञात करनी है? आपको पॉइंट पी की ओर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पॉइंट पी की ओर क्या होगी? आपका जो बल है उसकी दिशा होगी, ठीक है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो आगे देख सकते हो आप लोग। अपने लिखे बल का सूत्र, तो आपने क्या लिखा? डी एफ वैक्टर लिखा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ सीधा एफ वेक्टर नहीं लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ लिखोगे डी एफ वेक्टर। डी एफ वेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ आप लोगों ने क्या ले रखा है? एक अल्पांश ले रखा है। तो क्या आएगा? डी एफ वेक्टर आएगा। अब देखो आगे क्या लिखोगे? आगे लिखोगे के क्यू लिखना था अपने को, पर यहाँ आवेश जो है मान लेते हैं कितना है? डी क्यू है। देखो लेमडा इक्वल क्या होता है? लेमडा इक्वल क्यू अपॉन एल होता है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। पर अभी आपने क्या ले रखा है? एक अल्पांश ले रखा है, इसलिए यहाँ आपने क्या लिखा? डी क्यू अपॉन डी एल, यानी डी क्यू इक्वल लेमडा डी एल, ठीक है। यानी डी क्यू इक्वल आप लोगों ने क्या लिख दिया? डी क्यू इक्वल लिख दिया लेमडा डी एल। अब देखो आगे यहाँ क्या लिखोगे? के क्यू वन लिखना था, क्यू वन की जगह आपने क्या कर दिया? डी क्यू लिख दिया, और साथ में आपने क्या लिखा? क्यू जीरो लिखा। क्यू जीरो कहाँ पर रखा हुआ है?
जो अपना पॉइंट पी है वहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा हुआ है। अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में दूरी आर का वर्ग लिखोगे और साथ में क्या करोगे आर कैप लिख दोगे, तो ये बनेगा के डी क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वेयर और साथ में क्या आएगा आर कैप आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा आपके पास में डी एफ वैक्टर लिखा हुआ होगा। अब देखो आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो जैसे ही आप लोग समाकलन करोगे, देखो मान भी रख देता हूँ पहले, ये बनेगा डी एफ वैक्टर इक्वल के डी क्यू का मान रख देते हैं। डी क्यू का मान यहाँ से देखो कितना है, लेमडा डी एल है, कितना है लेमडा डी एल है और क्यू जीरो अभी है साथ में, अपॉन में आर स्क्वेयर और साथ में क्या है आर कैप लिखा हुआ है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों को समाकलन करना है इसका, तो ये बनेगा एफ वैक्टर इक्वल, और देखो अगर आप लोग चलो समाकलन का निशान लगा देता हूँ पहले, के लेमडा क्यू जीरो डी एल आर स्क्वेयर और साथ में क्या आएगा आर के पाएगा। अगर आप लोगों को इसका समाकलन करना हो तो जो जो नियत जो जो राशियाँ दूसरी पर डिपेंड नहीं करती वो नियतांक उसे अपने क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो एफ वैक्टर देखो कितना आएगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो डी एफ वैक्टर लिखा हुआ है जैसे ही आपने इसका समाकलन किया यहाँ से डी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो एफ वैक्टर किसके इक्वल आएगा, एक तो के, के एक नियतांक है, क्यू जीरो नियतांक है, परीक्षण आवेश है, कहाँ लिखा जाएगा बाहर की ओर लिखा जाएगा, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक तो बचेगा लेमडा और एक क्या बचेगा डी एल बचेगा और बाद में आर स्क्वेयर और आर के जो है वो लिखा जाएगा। ध्यान रखना समाकलन में साथ में क्या लिख दोगे, इसके एल लिख दोगे, एल का मतलब हो गया समाकलन किसके अनुदिश किया जा रहा है, लंबाई के अनुदिश किया जा रहा है, ठीक है। आप इसे ये भी लिख सकते हो एफ वेक्टर इक्वल क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और आर के और साथ में एल, ठीक है। कुछ और लिखना चाहो तो आप इसे लैम्डा को भी बाहर लिख सकते हो और क्या लिख दोगे क्यू जीरो लैम्डा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो समाकलन डी एल और आर स्क्वेयर और आर के, ये किसका मान है आपके पास में, बल एफ फैक्टर का मान है, ठीक है। यदि आप लोगों से पूछा जाए रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, तो वो बल का मान कितना आएगा, बल का मान आएगा एफ फैक्टर इक्वल क्यू जीरो लेमडा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो समाकलन का निशान और क्या आएगा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और साथ में आर के पाएगा। समाकलन कहाँ तक जा रहा है, ये समाकलन जो है वो एल तक जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को एक टॉपिक आपके और दे रखा है, वो आता है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो इसी के साथ बता देता हूँ आपको, हालांकि अलग से टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में, अगर आप देखोगे तो उसे देखो वो टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा नाम लिखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अपना टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब तक आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है एफ वेक्टर का, ठीक है। एफ वेक्टर का आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा है एफ वेक्टर इक्वल क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और आर के एल तक, ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से उठा करके इसी फॉर्मूले को लिखा है क्यू जीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा डी एल आर स्क्वेयर और आर के, ये आपके पास में किसका फॉर्मूला है, लगने वाले बल एफ वेक्टर का फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके इक्वल होती है, एफ वेक्टर अपॉन
क्यू जीरो के इक्वल होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके इक्वल होती है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो के इक्वल होती है। यानी एकांक आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अगर ई वेक्टर का मान आप लोगों से पूछा जाए, तो ई वेक्टर का मान अगर पूछोगे तो ये जो मान है इसे याद रखोगे, और अपॉन में क्या है इसके क्यू जीरो है, तो ये जो क्यू जीरो है इस क्यू जीरो को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, तो ये बनेगा वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और आर के, या इसी को लिख सकते हो ई वेक्टर इक्वल लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और आर के। आप देख सकते हो कि ये जो मान है बिल्कुल उसी के जैसा मान है, बस फर्क किसका है, क्यू जीरो का फर्क है। यदि यहाँ से आप लोग क्यू जीरो हटा देते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो समाकलन, और लैम्डा दो बार लिख दिया मैंने, लैम्डा एक बार ही आएगा, अपने बार निकाल लिया इसे, देखना लैम्डा बार निकाल लिए, तो समाकलन डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और आर के। ये जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल इसी के जैसा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से देखना अपने पास में क्या है, ई वेक्टर इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और आर के। लैम्डा को आपने क्या किया, बार निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा है, डी एल बचा है। अब कुछ एक कंडीशन की बात कर लेता हूँ, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको अंदर क्यों रखा गया, इनको अपने अंदर एक बार के लिए तो रख लिया है, पर जैसे ही आप लोगों को इसे कहीं पर अप्लाई करना होगा, जैसे अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, जैसे ही इसे अप्लाई करोगे यहाँ पर इनके मान आ जाएंगे, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सी राशि जो उसके अंदर रहेगी और कौन सी राशि जो वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण का। अब अपने बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की, जो दूसरा अपना टॉपिक है वो है पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो आता है पृष्ठ आवेश वितरण का। तो अपने बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण की, पृष्ठ आवेश वितरण जो है इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले अपने इसी की बात करनी पड़ेगी कि पृष्ठ आवेश वितरण का क्या मतलब है। तो यदि आवेश का, ये भी सतत आवेश वितरण है, तो आवेश का वितरण किसके अंदर हो, यदि एक पृष्ठ के अंदर हो तो वो क्या कहलाता है, वो पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। यानी एक पृष्ठ के अंदर यदि आवेश का सतत रूप से वितरण हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण बोलेंगे। या आप लोग बोल सकते हो कि एक पृष्ठ में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, एक पृष्ठ में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। और इसके अंदर भी अपने एक टर्म काम में आती है, उस टर्म का नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व वो टर्म क्या है अपनी, वो टर्म है पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसे लिखा जाता है सिग्मा से। किससे लिखा जाता है, सिग्मा से लिखा जाता है। पीछे आप लोगों ने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को अपने किससे लिखा था, रेखीय आवेश घनत्व को अपने लैम्डा से लिखा था, और पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे लिखा जाता है, सिग्मा से लिखा जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला लिखता हूँ, किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है। अब शायद आप लोग इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, यदि ए इक्वल क्या हो, एक हो, यानी कितना हो, एकांक हो, तो सिग्मा किसके इक्वल आएगा, क्यू के इक्वल आएगा। यानी आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। यानी आप लोग या तो बोल सकते हो एकांक क्षेत्रफल में, या एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो ये अपना आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ से अगर आप लोगों को बोला जाए कि सिग्मा जो है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, इसका मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक देखो आवेश कूलम आएगा, इसका मात्रक क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वेयर आएगा। तो इसका जब मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसका मात्रक क्या बताओगे, इसका मात्रक आएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वेयर। तो सिग्मा जो है, सिग्मा का मात्रक क्या लिख सकते हो आप लोग, कूलम प्रति मीटर स्क्वेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा की
विमा लिखो, तो थोड़ी देर पहले लिखिए आप लोगों ने, आवेश है तो T1 आएगा और A1 आएगा और अपॉन में L की पावर 1 आएगी, पर बाहर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, L की पावर 2 आ जाएगी। आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ L की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसे जो आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा, M की पावर तो है ही नहीं और अगर लिखो तो कितनी, 0, और L की पावर -2, T की पावर 1, A की पावर 1। देखो ध्यान ये रखना, m की पावर या नहीं है तो m की पावर 0 लिखोगे या लिखोगे नहीं, यानी या तो m को ही मत लिखो, यहाँ से आप लोग क्या कर दो, पूरे के पूरे m 0 घटा दो और सिर्फ क्या लिख दो, l की पावर -2, t1 और a1 लिख दो, या अगर m को लिखते हो तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अगर अकेले m को आप लोगों ने लिख दिया तो अकेले m का मतलब होगा m की पावर 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पावर लिखते समय ध्यान रखना है यहाँ पर 0 लिखना है, तो l की पावर -2, t की पावर 1 और a की पावर -1, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी विमा आ जाएगी, ठीक है। आपको शायद साफ दिख रहा हो, तो ये आएगा m0, l की पावर -2 और t की पावर 1 और a की पावर 1, ये आपके पास में क्या है, विमा है, किसकी, पृष्ठ आवेश घनत्व की, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लगने वाले बल की, तो अपने बल की बात करें तो बल का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसे बिल्कुल उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जैसे अपने पिछला टॉपिक जो है वो सोल्व किया है, ठीक है। जस्ट एक मिनट रुको, तो अपने बात करें पृष्ठ आवेश घनत्व की, तो पृष्ठ आवेश घनत्व देखो क्या होता है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बल का मान ज्ञात कीजिए, तो टॉपिक अपना पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लगने वाला पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लगने वाला बल, यहाँ देखो आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, आप लोगों को ये नहीं है कि ये अलग से कोई टॉपिक आपके आ गया है, आपको जो आपने पीछे टॉपिक पढ़ा है, जहाँ जहाँ आप लोगों ने लैम्डा लिखा है वहाँ वहाँ आपको क्या लिख देना है, वहाँ वहाँ आपको सिग्मा लिख देना है, जहाँ आपने एल लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप लोग आयतन वाले की बात करोगे तो इसकी जगह रो आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो अब अपने बात कर रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लगने वाले बल की, तो पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लगने वाले बल की अगर बात की जाए तो देखिए, ये मान लिया आपके पास में कोई एक पृष्ठ है, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, ये पृष्ठ है, इस पर इस प्रकार से क्या है, आवेश जो है वो वितरित है, इस प्रकार से इस पर क्या है, आवेश वितरित है, और ये इसके अंदर कोई एक अल्पांश है और इसकी वजह से स्मॉल r वेक्टर दूरी पर कोई एक पॉइंट P है जहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उस पर आपको क्या करना है, बल का मान जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। देखो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ भी क्या है, एक आपने अल्पांश लिया है, मान लिया ये अल्पांश कितना है, डी ए, ठीक है। सिग्मा की अगर बात की जाए तो सिग्मा मैंने आपको बताया कि क्यू अपॉन ए होता है, पर अल्पांश है तो डी क्यू अपॉन डी ए, और डी क्यू किसके इक्वल, सिग्मा डी ए के इक्वल। आप लोग देख सकते हो जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल उसके जैसा बन रहा है, बस यहाँ लैम्डा था और यहाँ एल था। अब देखो आगे आपको किसका मान ज्ञात करना है, डी एफ वैक्टर का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला फिर से वही, एक तो के और साथ में Q1 की जगह डी क्यू, Q2 की जगह Q0, आर स्क्वेयर और आर के, ठीक है। देखो या तो आप लोग सदिश रूप लिखो ही मत, सीधे परिमाण के रूप में लिखते जाओ, फिर आपको ना तो ये आर केप लिखना पड़ेगा और ना आपको वेक्टर लिखना होगा, पर अगर आप लोग यहाँ पर वेक्टर लगा रहे हो तो आगे आपको यहाँ पर आर केप भी ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब अपने आगे आप देख सकते हो कि आप लिखोगे इसे डी एफ वैक्टर इक्वल के और डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए और क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वेयर और आर के, ये अपने क्या कर दिया, इस डी क्यू का मान रख दिया सिग्मा डी ए। अगर आप लोग एफ फैक्टर की बात करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका
समाकलन करना पड़ेगा और क्या आएगा, ये आएगा के सिग्मा क्यू ज़ीरो डी ए, जिनको बाहर लेकर के जाना है उन्हें पहले लिख दिया, आर स्क्वायर और आर के। अब यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, एस लिखना है। एस का मतलब पृष्ठ सरफेस, या ए भी आप लोग लिख सकते हो। और अगर आगे की बात करो आप लोग लिख दोगे एफ वेक्टर इक्वल, यहाँ से देखो के को बाहर रख दो, के को आपने क्या किया बाहर की ओर रख दिया, और ये क्यू ज़ीरो लिखा हुआ है, समाकलन के अंदर सिर्फ बचेगा सिग्मा डी ए आर स्क्वायर और आर के, ठीक है। के को आप लोग क्या लिख सकते हो, के को लिख सकते हो वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर और आर के। और यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो सिग्मा को भी क्या कर सकते हो, बाहर की ओर लिख सकते हो। फिर ये बनेगा एफ वेक्टर इक्वल क्यू ज़ीरो सिग्मा फोर पाई, ज़ीरो छोटा लिखना, फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो समाकलन डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर के, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ठीक है, ये एस है, एस लिखा हुआ है। तो ये किसका मान है, ये डी एफ वैक्टर का मान है। डी एफ वैक्टर इक्वल क्यू ज़ीरो सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या है इसके, आर केप लिखा हुआ है। अब देखो अगर अपने और आगे की बात करें तो और अपने इसके अंदर बल के अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मात्रक वगैरह इसके देख लेना, सिग्मा, ये सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए सूत्र था, कूलम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक था। तो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप लोगों को पहले तो फॉर्मूला लिखना है एफ वेक्टर का। आपके पास में ये दो तीन फॉर्मूले हैं, आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप लोग। सेकंड फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एफ वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन क्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, और समाकलन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एस, और साथ में सिग्मा डी ए आर स्क्वायर और आर कैप जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर से बात कर लेते हैं ई वैक्टर की, तो ई वैक्टर किसके इक्वल है, एफ वैक्टर अपॉन Q0 के इक्वल है। एफ वेक्टर का मतलब लगने वाला बल, बल किस, ये तीव्रता किसके इक्वल आएगी, एफ वेक्टर अपॉन Q0 के। तो अपने मान रख दें तो ये Q0 इस Q0 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और क्या बनेगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो समाकलन सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर और आर के। जो फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी के जैसा लगभग फॉर्मूला बन रहा है आपका, और क्या नहीं आ रहा है यहाँ पर, Q0 नहीं आ रहा है। और इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर सिग्मा को भी बाहर लिखो, इस सिग्मा को भी अगर आप बाहर लिख दो तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो समाकलन डी ए अपॉन आर स्क्वायर और आर केप, और साथ में एस। ये आपके पास में किसका मान है, ये आपके पास में ई वेक्टर का मान है। आप लोग इसका कंपैरिजन इसके साथ कर सकते हो जो लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ वेक्टर इक्वल क्यू ज़ीरो सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, यहाँ क्या नहीं है, क्यू ज़ीरो नहीं है, और आगे देखो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर के, और साथ में एस लिखा हुआ है। यानी इसी फॉर्मूले से आपको पता लग सकता है कि जब अपने तीव्रता ज्ञात करते हैं तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू ज़ीरो। तो यहाँ से ये क्यू ज़ीरो और ये क्यू ज़ीरो अगर आप लोग हटा देते हो तो ये किसका सूत्र बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व जो है उसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो घनत्व जो है उसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है आपको। दूसरा आपसे इसका मात्रक पूछा जा सकता है, और आपसे इसकी विमा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी बल वगैरह
अगर आप लोग ज्ञात करना चाहो तो आप सीधा डायग्राम याद रख करके बल ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R के, बस Q1 Q2 की जगह क्या आ गया, एक तो फ्रिक्शन आवेश Q0